अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो बायोलॉजी के एक टॉपिक से रिलेटेड है जो कि इन्फ्लोरेसेंस का है। इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक पे हम पहले ही दो वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, इन्फ्लोरेसेंस के दो मेजर टाइप्स यानी कि रेसिमोज और साइमोज का डिफरेंस और उसकी मेजर क्लासिफिकेशन को देखा था। सेकंड पार्ट में हमने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में जो फर्स्ट पार्ट था पेडंकल एलोंगेटेड, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके एग्जांपल्स को विद डायग्राम डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पहले वो वीडियोस देख लो उसके बाद इस वीडियो की तरफ आना। आज की वीडियो में हम रेसिमोज के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, पेडंकल शॉर्टेंड और पेडंकल फ्लैटेंड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से, जो कि हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है, सक्सेशन ऑफ फ्लावर जो है वो एक्रोपेटल है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर सेंट्रिपेटल है। ये तीन मेजर पॉइंट्स हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के लिए, जो सब पे ही अप्लाई हो रही होती हैं। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पेडंकल शॉर्टेंड। नाम से जाहिर है कि इनका जो मेन एक्सिस होगा वो हमारे पास शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास कॉरिम। लेट सपोज ये हमारे पास मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस से हमारे पास जो फ्लावर्स ऑरिजिन कर रहे होते हैं उनका जो स्टॉक है यानी जो पेडिसल है वो हमारे पास अनइक्वल लेंथ का होता है, कुछ इस तरह से कि तमाम फ्लावर्स आपको एक ही लेवल पे नजर आएंगे। लेट सपोज ये हमारे पास फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको जो करैक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं उसमें हमारे पास यहाँ पे जो पेडंकल हैं वो शॉर्ट हैं, सेकंड नंबर पे आपको तमाम फ्लावर्स जो हैं वो पेडिसल लेट हैं यानी कि विद पेडिसल हैं, तो पेडिसलेट फ्लावर विथ पेडिसल ऑफ अनइक्वल लेंथ, जिसकी वजह से आपको तमाम फ्लावर जो हैं वो सेम लेवल पे नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, ऑल फ्लावर्स एट सेम लेवल। इसकी जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास आइब्रिस है, जिसे कैंडीटप भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पेडंकल शॉर्टेंड की टाइप है उसमें जो है वो है हमारे पास अम्बल। अम्बल में भी हमारे पास जो पेडंकल होगा वो शॉर्ट होगा। लेट सपोज ये इसका पेडंकल है। यहां पे खास बात ये है कि यहां पे आपको जो फ्लावर्स हैं वो एक ही लेवल से अराइज होते हुए नजर आएंगे और इनका जो पेडिसल है वो तकरीबन सेम लेंथ का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, अगर उन फीचर्स की बात करें
तो यहां पे हमारे पास जो पिडंकल है वो शॉर्ट है, सेकंड नंबर पे तमाम के तमाम फ्लावर्स पेडिसलेट हैं, तो पिडंकल इनका भी शॉर्ट होगा, तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं वो पेडिसलेट हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर्स हैं उनका जो पेडिसल है उनकी लेंथ डिफरेंट नहीं होगी, यहाँ पे लेंथ हमारे पास सेम है। एक और पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैक्ट्स हैं वो एक घेरे के सूरत में मौजूद होते हैं, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इन्वॉल्कर। तो यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास ब्रैक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वल्स की सूरत में है, घेरे की सूरत में है, जिसको हम नाम देते हैं इस घेरे को इन्वॉल्कर। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारे पास अनियन। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे पास एक सिंपल अम्बल है, अगर यही हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में हो, मतलब कि हमारे पास लेट सपोज ये मेन एक्सेस है, इसमें आपको जो अरेंजमेंट है वो कुछ यू नज़र आ रही है, इसी तरह से आपको यहाँ से जो ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेज से आपको अरेंजमेंट नज़र आ रही हो कुछ यूँ, तो ये हमारे पास एक अम्बल है, ये दूसरा अम्बल है, ये तीसरा अम्बल है, ये चौथा अम्बल है। तो यहाँ पे हमारे पास आपको जो अरेंजमेंट नज़र आ रही है वो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म में है। अगर कंपाउंड फॉर्म में अम्बल है तो इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास है, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कॉरियंडर है। हमने रेसीम में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमारे पास कंपाउंड रेसीम होता है, जिसमें हमारे पास हर ब्रांच एक सिंपल रेसीम होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी हर ब्रांच एक सिंपल अम्बल होगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड अम्बल कहलाता है, और एग्जाम्पल में हमारे पास कॉरियंडर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की ही टाइप है, जिसमें हमारे पास पिडंकल जो है वो फ्लैट हो जाता है। अब अगर हम पिडंकल फ्लैटेंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल हैं, यहाँ पर भी हमारे पास जो फ्लावर हैं उसके गिर्द ब्रैक्ट जो हैं वो एक घेरे की सूरत में हैं, यहाँ पर भी उसको हम इन्वॉल्कर कहेंगे। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है वो है हमारे पास सनफ्लावर की। सनफ्लावर सबने ही देखा होगा, तो अगर मैं इसका कट सेक्शन बनाता हूँ सनफ्लावर का, तो हमारे पास इसके कट सेक्शन में आपको जो उसका एक्सेस नज़र आता होगा वो कुछ यूं नज़र आता होगा, और इस एक्सेस में आपको बहुत सारे ग्रीनिश ब्रैक्ट्स नज़र आते होंगे जो कि इसको घेर के रखते हैं। तो ये हमारे पास ब्रैक्ट है, ये इसका मेन एक्सेस है। इस मेन एक्सेस पे हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल हैं, और इसमें जो हमारे पास फ्लोरेट्स हैं वो दो तरह के, एक जो मार्जिनल रीजन पे होता है कुछ इस तरह का, इसको स्ट्रैप शेप कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं रे फ्लोरेट्स, और जो दरमियान में हमारे पास मौजूद होते हैं
वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं। इनको हम नाम देते हैं डिस्क्लोरेट। तो रे जो है वो हमारे पास मार्जिनल है और शेप जो है इसकी वो स्ट्रैप शेप्ड है। डिस्क जो है वो हमारे पास सेंट्रल है और ये इसकी जो शेप है वो हमारे पास ट्यूबुलर है। तो डिस्क हमारे पास सेंट्रल है और शेप वाइज जो है ये हमारे पास ट्यूबुलर है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपने सनफ्लावर देखा है तो आपको उसमें जो येलोइश पार्ट नज़र आ रहा होता है, जो साइडों पे अरेंज होता है, वो हमारे पास रे फ्लोरेट है और दरमियान वाला जो पार्ट है जो छोटे छोटे होते हैं वो हमारे पास डिस्क फ्लोरेट है। तो सनफ्लावर बेसिकली एक फ्लावर नहीं है, वो पूरा एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। तो पेडंकल फ्लैटेंड के अगर करेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट डाउन किया जाए तो इसमें हमारे पास जो पेडंकल है वो फ्लैट हो गया। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास सिसाइल फ्लावर्स हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी आपको वलोब्रैक्ट्स नजर आएंगे जिसको हम इन्वॉल्कर कहते हैं। और जो फ्लोरेट्स हैं उनको दो पार्ट्स पे हमने डिवाइड किया, जो मार्जिन पे है उसको हमने नाम दिया रे फ्लोरेट और जो सेंटर में है उसको हमने नाम दिया डिस्क। रे हमारे पास स्ट्रैप शेप्ड है और डिस्क जो है ये हमारे पास ट्यूबुलर शेप्ड है। यहाँ पे हमारे पास पेडंकल फ्लैटेंड में जो हमने ये डिस्कस किया है इसको हम नाम देते हैं हेड या फिर कैपिटुलम। तो पेडंकल फ्लैटेंड में जो सनफ्लावर है ये बेसिकली हमारे पास एग्जाम्पल में है हेड के, या फिर इसको हम नाम देते हैं कैपिटुलम। इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हमारे पास मैरीगोल्ड और जीनिया, लेकिन सबसे अच्छी कॉमन एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास सनफ्लावर की है, जो अप्रॉक्स सभी बच्चों ने देखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप ये तमाम वीडियोस खुद भी देखें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।